इधर देश की राजधानी दिल्ली में नाबालिग की बेरहमी से हुई हत्या पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना गुस्सा जाहिर किया। अहमदाबाद में कथा करने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने देश में हो रही ऐसी घटनाओं पर दुख जाहिर किया और कहा कि इस तरह की घटना सुनकर भला कैसे किसी भाई का खून नहीं खोलेगा। तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले। असल में दो दिन पहले दिल्ली के शाबाद डेयरी इलाके में हुई एक लड़की की निर्मम हत्या के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये खबर देखने के बाद उनका खून खोल गया। इसके साथ ही उन्होंने सनातन धर्म का जिक्र भी किया और कहा कि इसीलिए हम भरोसा हमारे सनातन पर करते हैं, हमारा सनातन मारने वाला नहीं बचाने वाला। वहीं दिल्ली में हुई नाबालिग लड़की की हत्या का जिक्र बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कर दिया। अहमदाबाद में उन्होंने इस घटना की बात करते हुए इसे लव जिहाद बताया और एक बार फिर अपने भक्तों से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे आने की अपील कर दी। इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ है और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब हिंदुओं को चूड़ियां पहनकर नहीं घर से बाहर निकलना ही पड़े। न्यूज 18 से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि वो सनातन धर्म के लिए बोलना बंद नहीं करेंगे। भगवान नाम से शांति मिलती है क्या अशांति, ये उनको निर्णय करना चाहिए। दिल्ली में हुई नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले की जाँच दिल्ली पुलिस लव जिहाद के एंगल से भी कर रही है। राजधानी दिल्ली में नाबालिग की बेरहमी से हत्या करने वाले साहिल के दिमाग की अब जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट कराएगी और इसके जरिए ये पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक साइको एनालिसिस टेस्ट यानी कि PAT टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। इस टेस्ट से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन,